आज है वर्षावित्री पूजा और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सारी फ्रेंड्स देख के मुझे तुम बहुत प्यारी लग रही हो करके बोल के कमेंट कर रहे थे। मैं सबको थैंक यू बोली क्योंकि मुझे खुद को ही विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इतने अच्छे से तैयार हुई थी। दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं हर साल अपना वर्षावित्री पूजा के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। एक एक चूड़ी, एक एक सेटिंग, मैचिंग बिंदी, कान का सब कुछ सेटिंग करते रहती हूँ। मेरे हस्बैंड जी बोलते हैं तो कितना सजेगी कितना सजेगी, मैं क्या ही बताऊँ आप सभी को। बोल रहे हैं कि इतना धूप है, इतने धूप में मैं वीडियो ले रहा हूँ, मोबाइल हीट हो जा रहा है बार बार, मैं क्या करूँ। सब कोई अपना अपना पूजा कर रहे थे, कुछ लोग पूजा कर रहे थे, कुछ लोग गोल गोल घूम रहे थे। कितनी प्यारी प्यारी सब कोई दुल्हन सच के आए थे। एक दूसरे को देख के इतनी खुशी हो रही थी, मैं आप सभी को क्या ही बताओ। दोस्तों 108 बार चक्कर लगाना था हम सभी को, सबके चेहरे पे 12 बजा हुआ है क्योंकि 108 राउंड घूमना कोई मामूली बात नहीं है। दोस्तों आप सभी कितना चक्कर लगाते हो, आपसे बहुत 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 ज़रूरी बात है, कमेंट में ज़रूर बताना। मैं तो 108 चक्कर लगाती हूँ, कई लोग 11 चक्कर लगाते हैं, कुछ लोग 8 चक्कर लगाते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग नियम है। तो मैं तो 108 ही चक्कर लगाती हूँ हर साल। दोस्तों ये मेरा 6वां साल है वर्षावित्री पूजा का और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरी सारी फ्रेंड पीछे से आ रही हैं, हेलो बोल रही है वीडियो क्यों बना रही है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि वीडियो मैं इसलिए बना रही हूं क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग करना बहुत पसंद है दोस्तों, आप सभी के साथ शेयर करना। तो सभी कोई को मैं वीडियो में बोल रही थी, सभी आप सभी को वीडियो देखने को मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल पर जो कि नाम है रश्मि शॉर्ट ऑफिशियल। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रहा था, सब एक दूसरे को देख के हंस रहे थे, तुम कितनी प्यारी लग रही है, तुम कितनी प्यारी लग रही है, तुम्हारा ये अच्छा लग रहा है, तुम्हारा वो अच्छा लग रहा है। बस लेडीज़ का तो यही रहता है, कौन कितनी सुंदर लग रही है, कौन कैसी लग रही है, बस एक दूसरे को कमेंट करना। खुद की साड़ी तो अच्छी नहीं लगेगी लेकिन दूसरे की साड़ी वाओ सो ब्यूटीफुल, बस ऐसे ही निकलेगा हर एक किसी के मुँह से। तो 108 चक्कर लगाना था, उसमें से मेरा कुछ कम से कम 10 या 15 चना और बचा था चक्कर लगाने के लिए राउंड। यहाँ पे बहुत ही प्यारी लग रही है पीपल माता, वर पेड़ बोलते हैं वर्षावित्री पूजा का। सभी कोई अपना अपना सुहाग का सामान चढ़ाए थे जो कि सुहाग में चूड़ी बिंदी सिंदूर चूड़ी सब कुछ आता है। माता रानी में हर कहीं भी जाओ माता रानी में सुहाग का सामान चढ़ाना ज़रूरी होता है क्योंकि सुहाग का सामान चढ़ाने से अपने अपने सुहाग की आयु लंबी होती है। मुझे पता था मैं लेट ही हो जाऊंगी, आधा से एक घंटा दो घंटा घर में रेडी होने लगा, एक घंटा पूजा करने में लगा और सब कोई का पूजा हो गया और मेरा ही पूजा लेट में हो गया। मैं अकेले घूम रही थी, गोल गोल चक्कर लगा रही थी, लास्ट में 3 से 4 दाना बस पीछे रह गई। मैं 3 से 4 राउंड, दाना बोलने का मतलब चना बचा था, 3-4 राउंड लगाना बस बाकी था, सबका पूजा हो गया था। मुझे बहुत ख़राब लग रहा था दोस्तों, मैं क्या बताऊँ। मम्मी जी पीपल पेड़ में पानी डाली, पंखा चलाई, पंखा चलाते इसलिए दोस्तों क्योंकि पीपल माता पेड़ हमेशा ठंडा रहे, इसी वजह से पानी डाली मम्मी। पानी डालने के बाद पीपल पेड़ में पंखा धोखी और मुझे सब कोई सिंदूर लगाए। यहाँ पर मेरी सहेली सिंदूर लगा रही है मुझे जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। एक दूसरे को सिंदूर इसीलिए लगाते हैं दोस्तों ताकि सारे सभी कोई की सुहाग लंबी उम्र हो, लंबी आयु हो इसी वजह से। और मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ प्यारा सा कमेंट तो बनता है, चाहे अच्छी लगूँ या ना लगूँ एक कमेंट करना दोस्तों प्लीज़। बहुत मेहनत लगता है वीडियो शूट करने में, बच्चे लोग को रेडी करो, खुद रेडी हो, इतना सारा ब्लॉग शूट करो, प्यारा सा छोटा सा कमेंट तो बनता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये नेग है, इसको एक दूसरे को 5 बार इधर से उधर पलटी करते हैं, देते हैं आंचल में, इससे हमारा झोली कभी खाली नहीं होता दोस्तों। आप सभी ऐसा करते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एक दूसरे को सिंदूर लगाना बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है हम लोग शादी कर रहे हैं। मैं तो बोल रही थी अब मैं आपको सिंदूर लगा दिया, अब मैं आपसे शादी कर ली, ऐसा करके बोल रही थी सबको। तो सबको पूजा कंप्लीट हो गया था, सबको एक दूसरे को सिंदूर लगाए, चूड़ी दिए, इतने सारे लोग थे ना कि सिंदूर लगाते 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 थक गई थी मैं। तो सबको एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे, आप सभी तो देख ही रहे हो।
और मैं क्या ही बताऊँ दोस्तों आप सभी को, हर साल वर सावित्री पूजा मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ, लेकिन मैं लेट हो जाती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरे तीन तीन बच्चे हैं, सबके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, मेरे बच्चे छोटे हैं। रेडी हो, खुद भी रेडी हो, बच्चे को भी रेडी करो, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। लास्ट में हो गई थी पूजा करते करते, इसीलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये हमारी बेस्ट फ्रेंड है जो कि हमें सिंदूर लगाई, ये हमारी पड़ोसन दीदी है जो कि मुझे बहुत प्यार करती है और मुझे सिंदूर लगाते हुए आशीर्वाद दे रही है, तुम्हारा जुड़वा पोता हो। ओह माय गॉड, तीन बेटियाँ कम है दोस्तों, जुड़वा पोता हो करके मुझे सुहाग आशीर्वाद दे रहे हैं सबको। सबको मैं सिंदूर लगाई, ये देखिए, ये भी हमारी पड़ोसन है दीदी, ये भी हमको सिंदूर लगाई, मैं भी उनको सिंदूर लगाई, एक दूसरे को बस आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। इतना सारा आशीर्वाद मिला दोस्तों, क्या ही बताऊँ आप सभी को। मैं सिंदूर लगाते लगाते इतना पूरा नाक से लेके सिर तक इतना चौड़ा हो गया, पूरा सिंदूर बिखर गया था, पूरे चेहरे में लाल लाल दिख रहा था। आखिर में मैं भी पीपल पेड़ को जल देने के बाद थोड़ा सा धुकी ताकि ठंडा रहे पीपल माता, और मस्त बारिश हो, मज़ा आ जाएगा। एक दूसरे को चूड़ी पहनाने के बाद, पीपल माता को पानी देने के बाद, पीपल माता का पैर दबाई मैं और उनसे गले मिली, माता रानी से गले मिल के प्रणाम करके एक दूसरे को फिर बिंदी लगा रहे थे। जितना ज़्यादा सुहाग का सामान बांटोगे उतना ही अच्छा रहता है दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे को सामान देने में। एक दूसरे को चूड़ी दे रहे थे, पहना रहे थे, आशीर्वाद ले रहे थे, इतना सारे लोग का पैर छूते छूते तो मैं क्या ही बताऊँ। हमारी पड़ोसी दीदी हमको इतना लाड प्यार करती है कि लगता ही नहीं है कि पड़ोसन, ऐसे लगता है खुद की बड़ी दीदी है या बहन है। सब कोई का पूजा कंप्लीट हो गया फाइनली, अब फोटोशूट की बारी जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। मैं इतना सारा फ़ोटो खिंचाती हूँ, मेरे हस्बैंड जी फ़ोटो खींचते खींचते थक ही जाते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक।